यार इन्होंने हर चीज़ तो यार बंद कर रखी है इन्होंने, पैसे 480 रुपये ले रहे हैं। सो वेलकम गाइस, मैंने वीडियो तो कैसे आप सब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं 1.5 महीने बाद में वीडियो डाल रहा हूँ और ये वीडियो आपको तब समझ में आएगी तब आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो गाइस मैं गया था लाल किला और देखिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी। ये था जो आपके सामने है, ये था तख्ते ताऊस था, तख्त ताऊस है और उसके सामने ही आ जाता है। गाइस सुनने में आया था कि बादशाह के निजी मुलाकातों के लिए ये बनाया गया था और गाइस रंग महल तो उन्होंने बंद कर रखा है, अभी अंदर एंट्री नहीं है, तो इसके बारे में आपकी अभी मैं अंदर गया भी नहीं और एंट्री भी नहीं हुई, तो इसके बारे में तो मैं आपको कुछ वैसे बाहर बाहर से मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ये जो देख रहे हैं आप, ये रास्ता हुआ करता था नदी के अंदर जाने के। अगर कहीं आप बादशाह सफ़र करना चाहते हैं तो इस रास्ते से अंदर जाया करते थे और वहाँ से कश्ती, इनसे जो भी होता था पानी की चलने वाली कश्ती होती थी, जहाज़ होता था, उसमें बैठ के जाके यहाँ से पानी का सफ़र वो शुरू करते थे। ये रास्ता था उसका और ये भी इसके शायद रंग महल के नीचे से जाता है ये रास्ता। अब तो उन्होंने बंद कर रखा है, ताला भी नहीं लगा रखा बल्कि सील कर रखा है मैंने देखा अभी। और इसके अंदर ही देखिए पूरा दीवाने खास के पास ही है ये। संगमरमर के ऊपर जो इन्होंने पत्तियाँ बना रखी थी ना, वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं इसमें। चाहे आज के ज़माने में तो मशीनें, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, हथौड़ी थी सिर्फ, छेनी थी। हर चीज़ तो यार बंद कर रखी है इन्होंने, पैसे 480 रुपये ले रहे हैं, दीवाने खास ही बंद कर रखा, जो मेन मेन चीज़ है वो तो इन्होंने बंद कर रखी है। ये संगमरमर जो मेरे पीछे है, पूरा संगमरमर का है दीवाने खास, ये पूरा संगमरमर का है और काफ़ी अच्छा है। लेकिन अंदर तख्त है इसके, मैं आपको अभी वैसे दिखा देता हूँ, इसके अंदर एक तख्त है वो देख रहे हैं जो अंदर है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे बादशाह बैठते थे, पता नहीं क्या गुफ्तगू होती थी। अच्छा मैंने इनकी एक चीज़ देखी है कि इनकी छतों के ऊपर जो है वो सोना काफ़ी लगा हुआ था, जो 1700 कुछ में उन्होंने निकाल लिया था। लेकिन देख पत्तियाँ इनकी है ना, जो पत्थियाँ राजस्थान से ये पत्थर मंगाए जाते थे तो इनकी फूल पत्तियाँ बनती थी। इनकी छत चांदी की थी और ये सोने का जो भी पता नहीं, मैंने भी पढ़ा है उसके सारा ये देखिए आप, मैं बस सिनेमेटिक्स मोड दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत लगता होगा ये बिना सोने चांदी के, इतना खूबसूरत लग रहा है तो उस ज़माने में कितना अच्छा लगता होगा। और सोने चांदी के मैंने देखा कि वो काफ़ी शौक था, बादशाहों को तो शौक ही है। अब भी देख लीजिए आप, दुबई में देखिए आप जाकर, वहाँ भी उनको सोने का कितना शौक है, यानी कि सोने से अपनी खूबसूरती जिंचवाते हैं। इसके पीछे ही आ जाता है आपका मोती मस्जिद। चलिए अब मोती मस्जिद की तरफ चलते हैं और पहले पढ़ेंगे मोती मस्जिद की तरफ। और ये देखिए आप, अब तो बंद पड़ी है, ताला लगा हुआ है इसमें, ये देखिए आप, ये मतलब अब भी ऐसे लगता है जैसे अभी 10 साल पहले बनी हो। आज तक मैंने इस मस्जिद को खोला हुआ नहीं देखा है और काफ़ी अरसे से बंद है ये मस्जिद, और मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने एक बार भी देखा। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत है। ये बादशाह ने अपनी निजी जैसे एमरजेंसी नमाज के लिए, वैसे तो वो दिल्ली की जामा मस्जिद में जाते थे, आपका जो बाहर मस्जिद है वो उसमें ज़्यादा कर जाते थे नमाज पढ़ने। ये इनके अगर ज़्यादा एमरजेंसी है तो यहाँ पढ़ रहते थे। एमरजेंसी के लिए इतनी बड़ी मस्जिद बना दी थी। देखिए अंदर ये हौज़ है, ये सामने ये हौज़ है और काफ़ी बड़ी है मस्जिद, मोती मस्जिद नाम है इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। मेरे पीछे जो है वो मोती मस्जिद है और इस वक्त तो सारी ये बंद ही हो गई है, सब बंद हो रहा है अभी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि टिकट के पैसे इन्होंने लिए क्यों लिए, हर चीज़ तो इन्होंने बंद कर रखी है और टिकट के पैसे पूरे वसूल रहे हैं 80 रुपये। अभी तो ये 4-5 2-3 चीज़ें देखी है मैंने, अभी आगे जाके देखते हैं कि क्या 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 हर चीज़ में लग रहा है बंद है इसमें। सो गाइस ये जो जगह है, यहाँ पे बादशाह अपने गर्मियों के दिन काटते थे, और यानी कि जब गर्मी आती थी, जब भी गर्मी आती तो यहाँ का रुख कर लेते थे और यहाँ से ठंडा पानी पहुँचता था सारे दरबार में। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी टैंकी होती है, लेकिन यहाँ से ठंडा पानी जाता था पूरे लाल किले में, जिसे नहरे बहिश्त के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बड़ा है लेकिन देखने में अच्छा भी है, लेकिन बहुत। सो गाइस ये है वो जगह है जहाँ पे राजा अपने गर्मी के दिन काटते थे। हमारे ज़माने में तो लोग पंखा देखते हैं, कूलर देखते हैं, लेकिन राजा महाराजा के ज़माने में ऐसा नहीं था। वो यहाँ पे आके देखो कितनी बड़ी जगह है, यहाँ के आके इनमें चारों तरफ पानी भरा हुआ था और फुहारे चलते थे, तो यहाँ पे अपने गर्मी के दिन काटते थे वो।
बड़ी अमीर थे यार, बड़ी अमीरी काट गई है, ऐसे बात नहीं है। सो गाइस अब चलते हैं ज़फ़र महल तो हमने देख लिया है, लेकिन अब चलते हैं शाह बुर्ज। अब ये देखते हैं शाह बुर्ज है क्या चीज़, वहाँ जाके पता चलेगा और इसमें क्या क्या चीज़ है। लेकिन जो है वो काफ़ी बड़ा बनाया हुआ लाल किला, अभी तो हमने आधा भी नहीं देखा है, काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। लेकिन हर चीज़ जो है वो देखने का मज़ा जब आता है जब चीज़ खुली हो, अगर बंद रहती है ना तो कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन आप पूरे पैसे भी दे रहे हैं और आप ही पेड़ देख रहे हो वाले, इससे पता चलता है कि काफ़ी पुराने पेड़ है, मुझे लग रहा है राजाओं के ज़माने के पेड़ हैं शायद ये। अब इसके पास जाके पता चलेगा। तो ये देखिए हम शाह बुर्ज के करीब आ चुके हैं और ये पेड़ की बात कर रहा था मैं, ये देखिए पेड़ा पास से काफ़ी बड़ा है, ऐसे लगता है जैसे 100 साल पुराना हो। ये पहले ऐसा था ये शाह बुर्ज, लेकिन अब ऐसा है ताकि इसके जलजले के और हमले हुए थे ना इस पर, और हमले की वजह से गुंबद था और वो ढह गया। 2 बार हमले हुए थे इस पर, 1857 और पहले भी हुआ था। तो इसकी तारीख ये है कि यहाँ पर शायद इससे भी कोई नहर से जुड़ा है, इसलिए इस पर पानी टकराता था कुछ करके, पानी के उससे ही बनाया गया था ये नहर बहिश्ती, इसीलिए बोला जाता है इसको, सॉरी नहर बहिश्त नहीं, शाह बुर्ज बोला जाता है इसको, तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था अपने लिए। और काफ़ी ये यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पे है, और ये देखिए आप यहाँ से जाता है बाहर का रास्ता, और फिर